नमस्कार दोस्तों, ओन वाइकड़ में आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देखा होगा कि क्या एमएसटी सीईटी का सिलेबस कम होगा। अब ये प्रश्न आया क्यों? देखिए क्या हुआ, लास्ट वीक आपने देखा कि अपडेट आए जेडब्ल्यू की ओर से, एनटीए की ओर से, कि उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। अब क्यों रिड्यूस कर दिया? क्योंकि कोविड के बाद में जो 11 12th का जो सिलेबस था, जो 10th का सिलेबस था, उसमें से कुछ चीज़ें एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने कम कर दी। अब जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने वो कम कर दिया, तो जो एनटीए है वो 11 12th के सिलेबस पे ही एग्ज़ाम लेता है, तो उनका ये था चांसेस कि ये कम होगा, है ना। ये तो एक्सपेक्टेशन सबकी लगाई जा रही थी कि यार ये कम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ, सिलेबस जब सीबीएसई ने कम किया तो फिर एनटीए ने भी कम कर दिया। अब इन्होंने जो कम किया जेडब्ल्यू के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी कि मतलब जो सिंपल टॉपिक थे, जो बच्चों को ईजी लगने वाले टॉपिक थे, वो भी कम हो गए। जैसे मैथ्स में मैथमेटिकल लॉजिक जैसा प्यारा सा जो टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक हटा दिया। उसके बाद में बाइनोमियल हटा दिया, उसके बाद में आपको जो एपी है उसमें से एजीपी वाला पार्ट हटा दिया, एचपी वाला पार्ट हटा दिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हटा दी, उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें कम कर दी गई। तो ये जेडब्ल्यू में इसलिए किया गया क्योंकि सीबीएसई ने कम करके रखा था। अब हमारा सिलेबस देखा जाए तो कोविड के बाद में जितना है उतना ही है, उन्होंने उसमें कुछ कम नहीं किया। देखो पहले कम किया था कोविड के टाइम पे, जो सिलेबस कम किया था वही सिलेबस, अभी अब वो सिलेबस जो 25% रिड्यूस किया था वो हटा दिया। अब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। मतलब अगर कंपेयर करते हैं हम अपनी किताबों को एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक से, तो हमारा जो सिलेबस है वो ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे हमारे सीईटी सेल ने पहले इसमें कॉनिक सेक्शन जोड़ा ही नहीं था, तो कॉनिक सेक्शन अपना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक ही टॉपिक ऐसा है जो नहीं है। फिर बाकी कुछ सिंपल टॉपिक उसमें नहीं है, चलो ठीक है, वो छोड़ दो। फिर क्या इसके बाद हमारा सीईटी सेल इसका निर्णय लेगा, ये पूरा का पूरा जो है ना बेटा, ये डिपेंड करेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा सीईटी सेल अपना निर्णय लेगा। क्योंकि दो बातें होती है, एक तो सीईटी सेल का ये होता है कि जो जेडब्ल्यू निर्णय लेता है वो सीईटी सेल भी लेता है, लेकिन हमारा तो सिलेबस ही कम नहीं हुआ है, बोर्ड ने हमारा सिलेबस नहीं कम किया ना, जो है वही है। अब आप अगर देखो कि उनका सिलेबस कम है इसके लिए वो कम हुआ है, तो अगर अब मतलब अगर ऐसा करता है सीईटी सेल कि वो सिलेबस कम नहीं करे, तो हमारा लेवल जो है वो जेडब्ल्यू के लेवल के इक्वल आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन हमारे बड़े सिंपल होते हैं, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते जी। हाँ, पर मैनुअल अगर आप पढ़ते हैं सीईटी सेल का, जो मैनुअल पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि हमारी जो एग्ज़ाम है सीईटी की, एमएसटी सीईटी की जो एग्ज़ाम है, वो जेडब्ल्यू और नीट के लेवल की एग्ज़ाम होती है, वो बोलते हैं ऐसा। कुछ क्वेश्चन आए भी हैं और हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे जेडब्ल्यू से PYQs उठा के हमको इसमें दिए गए हैं, तो ये चीज़ें हैं अपनी जगह पे। सॉरी बच्चों, मैं कार में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी था आपसे आज बात करना। एक मैं आज ट्रेवल कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार आपको ये विषय पे बात करना ही थी। अच्छा, एक और बात, ये जो वीडियो इसलिए नहीं निर्माण किया गया कि बच्चों के मन में कोई भ्रम किया जाए। आपको मैं बताऊँ, जितना सिलेबस अपना है अपन उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, क्योंकि अपना बोर्ड ने सिलेबस कम नहीं किया। ये हमारे लिए लॉटरी होगी अगर सीईटी सेल इसको कम कर दे तो, है ना। कम कर दे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। देखो, कम कर देगी तो तुमको कम पढ़ना पड़ेगा, ओके, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम उसमें नुकसान ही है कि जो सड़े टॉपिक कम कर रहे हैं उससे अच्छा ना करें। क्योंकि मुझे गारंटी है कोई करे नहीं करे मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन बच्चे सही करके आएंगे, है ना। उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी सीटी के क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली इमेजिनरी वाले नंबर और आर्गुमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आयोटा की पावर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो जितना भी सिनेरियो अभी दिख रहा है हमको कि जेडब्ल्यू ने कम कर दिया, तो हमारा भी हो जाना चाहिए, बच्चों को तो लग रहा होगा हो जाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं, कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के सिंपल टॉपिक कम कर दिए गए जेडब्ल्यू की ओर से, फिजिक्स के सिंपल टॉपिक कम कर दिए गए हैं। आप अपनी राय दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो अनुभव से आपको इतना बताऊं कि दो बातें होती है, जो हमारा सीईटी सेल है वो जेडब्ल्यू को ऑलमोस्ट फॉलो करता है, तो ये हो सकता है वो इस साल नहीं करे, अगले साल वो सिलेबस में कुछ चेंज लाए, है ना, या हो सकता है उनको लगे कि अभी करना तो कर ले, लेकिन ये पूरा पूरा निर्णय जो है ना ये सीईटी सेल ही लेगा। और ये हमको कब पता चलेगा? अब सीईटी सेल लेगा तो, अरे भाई देखो, जब फॉर्म भरते हैं, जब सीईटी आपको फॉर्म आएंगे सीईटी के दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक में जब भी आएंगे, वो जब भी आएंगे आपको उसके साथ में हमारा सीईटी का सिलेबस भी देंगे, तो उस सिलेबस में दिख जाएगा हमको
कि सीटी सेल इस पे क्या निर्णय ले रहा है ना, क्योंकि ये जब तक कि हमारा सीटी सेल निर्णय नहीं लेगा तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला है। अब इसमें एक समझदारी ये है कि हम ये सोच ले कि बोर्ड ने कम नहीं किया तो हमारा कम नहीं होगा, तो हम पूरे पूरे तैयारी करते रहे। वैसे भी बोर्ड के लिए तो हमको पूरा ही पढ़ना है ना, बोर्ड के लिए कहाँ हम छोड़ने वाले हैं उसको, हमको बोर्ड के लिए मैथमेटिकल लॉजिक तो पढ़ना ही है, छोड़ेंगे नहीं हम। और जो टॉपिक जो जो उन्होंने रिड्यूस किए वो सारे पढ़ने वाले, क्योंकि बोर्ड में तो पूरा सिलेबस आने वाला है इधर, और वैसे भी हमारा सिलेबस कम नहीं हुआ है ठीक है। तो बस हम वेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिलेबस कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ। सॉरी मैं आज इस तरह से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये वीडियो देना जरूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे मुझे पूछ भी रहे थे। मैं जब भी लाइव आता हूँ, संडे लाइव आता हूँ, बच्चे पूछते हैं, तो मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है, जनरल विषय, जिस पर बात की जानी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। और जो अपना श्रीजी बैच चल रहा है जिसमें मैं पीवाई क्यूज करा रहा हूँ, मैंने कल जेडब्ल्यू के पीवाई क्यूज करवाए, मैं एमएससी सीटी के पीवाई क्यूज करवाऊंगा, तो वो वीडियो देखो भाई। अब मैं जानता हूँ उस समय आप नहीं होते हो क्लास में, बट बाद में देखो, डबल स्पीड में देख लो, टाइम भी बच जाएगा ठीक है। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।